वहीं देहरादून की निरंजनपुर सब्जी मंडी में पॉलिथीन का इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। पॉलिथीन के इस्तेमाल को रोकने के लिए मेयर सुनील उनियाल गामा ने निरंजनपुर सब्जी मंडी का निरीक्षण किया और यहां मौजूद कई दुकानदारों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बार बार चेतावनी देने के बाद भी पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं रुक रहा, ऐसे में अब किसी भी दुकानदार के पास पॉलिथीन मिलती है तो उसका दुकान का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। इसके अलावा मेयर सुबोध उनियाल ने अधिकारियों को मंडी में साफ सफाई के निर्देश भी दिए। मंडी जो है देहरादून की राजधानी की सबसे बड़ी मंडी है और यहाँ की सफाई व्यवस्था से लेकर प्लास्टिक से लेकर तमाम चीज़ें जो है समय समय पर जो है हम यहाँ मौका मुआयना करते रहते हैं और सफाई की बड़ी ही दयनीय स्थिति है। यहाँ सफाई के लिए जो है अभी इनके मंडी सदी के जो सचिव हैं उनसे वार्ता करेंगे, उसके बाद जो प्लास्टिक का आज यहाँ मिल रही है प्लास्टिक के लिए जो है नगर निगम ने लगातार अभियान चलाकर जो है लोगों को जागरूक करने का काम किया था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ बड़ी संख्या में जो है प्लास्टिक मिली है, उन पे जुर्माना किया है और उनको चेतावनी भी दी है कि अगली बार अगर आपके जो प्लास्टिक मिलेंगे तो आपके जो है लाइसेंस भी निरस्त करेंगे, क्योंकि मंडी समिति के जो लाइसेंस है कृषि विभाग उसको करता है और माननीय कृषि मंत्री जी ने भी मंडी का दौरा किया था, उन्होंने भी इनको चेतावनी दी थी कि अगर अगली बार प्लास्टिक मिलेगी तो आपका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर एक दो बार और प्लास्टिक मिलेगी तो मंडी जिनकी दुकानों के आगे प्लास्टिक बिक्री है उनके लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई हम करेंगे।